रायगढ़ स्थित शिव शक्ति स्टील प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 25 मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। अपने साथ हो रहे शोषण को ज्ञापन के माध्यम से श्रम विभाग को बताया। श्रमिकों का कहना है कि समय पर ना उन्हें तनख्वाह दी जाती है, ना ही उन्हें महीने में छुट्टी दी जाती है। प्लांट में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है। कंपनी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों से दुर्व्यवहार अलग किया जाता है। अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर श्रमिकों ने तथा ज्ञापन को लेकर जानकारी सहायक श्रमायुक्त ने कुछ इस प्रकार से दी है। ओवर टाइम और वेतन से भुगतान समय पे नहीं होने का शिकायत था। वो सब मामले उनके औद्योगिक शासन सुरक्षा से संबंधित है। उनको उनसे संपर्क करने के लिए कहा गया और कुछ लोगों को नौकरी से निकाला गया है, तो उनका आवेदन मेरे ऑफिस में देने के लिए कहा गया, उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर लिया जाएगा। जी सर, मैं शिव शक्ति से आया हूँ। हम सबको ही क्या नाम? शिव शक्ति स्टील प्लांट लिमिटेड चक्रधरपुर चुनचुना रायगढ़ से। समस्या हम लोग का बहुत सारा समस्या है सर, जैसे कि हम लोग को टाइम में पैसा दिया नहीं जाता। पेमेंट 17 से 25 तक किसी दिन भी होता है, उसका कोई एक तो गारंटी नहीं है कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं। ELCL हम लोग को जैसे कि 5 साल होता है, जैसे 2 महीना 3 महीना पहले उसका कच्चा पेमेंट दे दिया जाता है, कैश ग्रेजुएटी से वंचित कर देते हैं ये लोग। जैसे कि कुछ भी इधर तो मैं काम में ऐसा हो जाएगा, या तो सस्पेंड कर देता है या तो प्लांट से निकाल देता है। और प्रेशर से काम करवाते हैं, सेफ्टी इशू के लिए कोई इशू नहीं है लोग के। मतलब लिखवाए थे एक बार, कितना नंबर लगता है, 8 नंबर 9 नंबर 7 नंबर सबका टोटल लिखवाए थे प्लांट का, और सेफ्टी कुछ नहीं मिला, आया नहीं, जूता आया नहीं। नज़र से हम लोग से लेना देना नहीं है, हम लोग का है सेफ्टी ऑफिसर है। सेफ्टी ऑफिसर को मतलब वो लोग सुपरवाइजर बना दिए हैं, लेबर सुपरवाइजर। वो तो कुछ नहीं, घूम के आता है घूम के जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है उसका। और मेरे को काम से निकाल दिया गया, और उसके बारे में ना नोटिस पीरियड के लिए बोला गया ना कुछ नहीं, मेरे को सीधा बोल दिया गया कि तुमको नौकरी से हम निकाल रहे हैं, तुम जा सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है सर, और पैसा खिला देते हैं वो लोग, भाग जाते और हैं। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है प्लांट में, प्रदूषण कंट्रोल के लिए कोई वो नहीं हो रहा है। सेफ्टी ऑफिसर रखा है, वो सुपरवाइजर बन के घूम रहा है वहाँ, किसी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। हेलमेट जूता के लिए बोला जाता है तो बोलता है मालिक मना कर रहा है। हेलमेट किसी किसी को मिलता है, जूता तो अभी तक किसी को दिया नहीं है, ना नोज मास्क नहीं दिया है, और हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम है सर। डस्ट इतना ज़्यादा नीचे में है, आदमी नीचे चलेगा तो पूरा ऊपर तक पूरा डस्ट घुस रहा है। नीचे में भी साफ सफाई नहीं, ऊपर भी पूरा पॉल्यूशन है। ओटी का पैसा देता नहीं सर, ओटी करवाता है जैसे शटडाउन होता है, कुछ भी होता है उसका पैसा देता नहीं है। और सुपरवाइजर लेवल का आदमी ऑटोमोबाइल का है, वो लोग को महीने में 4 छुट्टी मिलना चाहिए ऑफ, वो 2 ऑफ देता है। बोलता है विपुल, बोलता है क्या करना है कर लो, हाँ जो करना है कर लो, पुलिस के पास जाओगे तो भी मैं देख लूँगा, जहाँ भी जाओगे मैं देख लूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा बोलता है वो। हाँ सबको बिगाड़ के रखा हुआ है, तो विपुल माली वहाँ का बस टोटल सिस्टम को खराब करके रखा है वो।